Like to call upon the man of the millennium, Mr. Manish Gupta, who has won the award for his original work, Life Mein Kabhi Kabhi. Mr. Manish Gupta, please come on stage. Thank you. Welcome. Thank you. Originality. किसी ने ठीक कहा है, देयर इज नथिंग लाइक ओरिजिनलिटी, यू हैड द सॉस एंड यू आर अ जीनियस. सच पूछो तो मैं इस अवार्ड के लायक ही नहीं. मुझसे पहले यह अवार्ड उन बड़े बड़े राइटर्स को दिया गया है जिनके पास इमेजिनेशन थी, हार्ड वर्क था, राइटिंग स्किल्स थी, पर मैंने तो इस किताब को लिखने के लिए इन तीनों चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है. जी हाँ, मैंने इस किताब को चुराया है. पर इसे लिखा किसने है? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कुछ पीछे चलना पड़ेगा. 7 साल पीछे, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ, राजीव, इशिता, जय और मोनिका. वल्ला
किधर से आ रहे हो? दारू पिया है क्या? कसम से यार, बहुत पिया है। दारू पी के गाड़ी चलाता है? कसम से यार, मैंने ही अपनी आप चढ़ दी है। आज अगर मेरी माँ होती तो 50% खुश होती। 50% क्यों? क्योंकि वह हमेशा चाहती थी कि मैं पापा की तरह देश के लिए कुछ करूं और जेल जाऊं। देश के लिए तो कुछ कर नहीं सका, पर जेल तो पहुंच गया। मैंने कहा था कि टैक्सी लेकर जाते हैं, फिर भी तुम लोगों ने जिद की। अब भुगतो, सुबह जिसे भी पता चलेगा वो हम पे हंसेगा और तुम लोगों के साथ साथ मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। ए, नाम खराब करने के लिए पहले नाम कमाना पड़ता है। समझी? तुम लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर एक दिन मेरा नाम जरूर होगा। हर सिग्नल पे गाड़ी रुकते ही लोग इकट्ठा होंगे, मेरे पास ऑटोग्राफ्स लेने आएंगे। आई एम गोइंग टू बी रियली फेमस एंड सो द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हैप्पी होने के लिए फेमस होने की क्या जरूरत है? खुश होना है तो आदमी को सक्सेसफुल होना चाहिए। आई वॉन्ट बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट बी द बेस्ट। और तुम लोग देख लेना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट अमंगस्ट अस ऑल, एज आई विल बी द बेस्ट एंड द बिगेस्ट इन व्हाट आई डू। सक्सेस कभी किसी के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहती। दुनिया में हर सक्सेसफुल आदमी का साथ एक ना एक दिन सक्सेस ने जरूर छोड़ा है, चाहे वो उम्र की वजह से हो या टाइम की वजह से। साथ रहता है तो पैसा। देख लेना, मैं तुम सब लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगी और सबसे ज्यादा खुश रहूंगी। सबसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मैंने देखा है।
पर खुश रहने के लिए न मुझे पैसे की जरूरत है, न मुझे नाम की जरूरत है, और न ही सक्सेस की। आई वॉन्ट पावर, क्योंकि आज की डेट में जिसके पास पावर है, बाकी सब चीजें तो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। तू क्या चुप बैठा है? तेरे को खुशबूश नहीं होना है क्या? अब सब खुश होंगे तो खुशियों का हिसाब कौन रखेगा? क्या मतलब? I have an idea. मैं तुम सबकी खुशियों का अकाउंटेंट बनता हूं। चलो 50 रुपए निकालो। क्यों? चल निकाल ना, तू भी निकाल, सब लोग निकालो। क्यों? Everybody 50 bucks, come on. Thank you. Come on, you too. Thank you. 200 रुपए की शर्त लगाते हैं। क्या है ना, मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम चारों का कहना है कि तुम में से हर एक दूसरे से ज्यादा खुश रहेगा। एक काम करते हैं, 5 साल के बाद आज ही के दिन, आज ही के जगह, नहीं, ये जगह नहीं, किसी अच्छी जगह पर मिलकर ये फैसला करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खुश रहेगा। जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो शर्त जीत जाएगा, एंड ही और शी विल विन दीज 200 रुपीज। बोलो मंजूर है? Okay guys, the bet's on. 5 saal, 200 rupees. एक बात पूछो राजीव, are you sure you want to do this? I mean, तुझ पर इतना बड़ा बोझ डालना मुझे पसंद नहीं। अब मेरी बात तो अलग थी राजीव, मजबूरन मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी बिजनेस संभालने के लिए, लेकिन तुझे क्या जल्दी है, कम से कम अपना MBA तो खत्म कर लेते। जिसे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग घर में मिल रही हो उसे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? MBA तो मेरे घर पर ही है, मैन बिहाइंड अचीवमेंट्स। स्टॉप बटरिंग मी। चलो काम की बात करते हैं। लुक रिगार्डिंग दिस, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हातिका ये ले। तू पहली बार कोई डील करने जा रहा है ना, इसीलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। यू आर वेलकम। इसे ढूंढ रहा है बेटा, जन जागृति युवा शाखा। Received with thanks ₹500 from Jay Gokhale. तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है? ये जानते हुए भी कि इस पॉलिटिक्स ने हमसे कितना कुछ छीना है। अरे आज अगर तेरे पापा होते तो इस घर में बहुत कुछ अलग होता मामा, और जो बात नहीं है उसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा तू ये भूल रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से तेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ पापा थे। बैंड्रा अंधेरी वर्सोवा सब जगह ढूंढा, बट फाइनली मुझे तुम्हारी फेवरेट सीरी मिली। वाओ, दिस इज सो कूल। इतनी? ओह हो, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप इसकी वजह से लेट हो रही थी और आपने मुझसे झूठ बोला कि तुम इश्ता के साथ। बेबी मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक नहीं 100 झूठ बोल सकती हूँ। आई लव यू। लव यू टू। सो मोहित मैंने कुछ डिसाइड किया है। डिसाइड तो मैंने भी कुछ किया है, पर पहले तुम बोलो। मैंने डिसाइड किया है आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस, आई वॉन्ट टू बी सो फेमस दैट द एंटायर वर्ल्ड नोज मी। और मैं जानती हूँ इसके लिए मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट विदाउट यू। आई एम गोना नीड योर सपोर्ट।
I'm always there for you, baby. Okay? Anyways, tell me, तुमने भी कुछ decide किया था ना? जाने दो. जाने दो कैसे? Tell me. Okay. Actually, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा college खत्म हो चुका है और मुझे भी promotion मिल गई है. तो आज तुमसे शादी की बात करूं. But you know what the hell? शायद मेरी किस्मत में किसी मामूली लड़की के साथ नहीं, बल्कि टॉप की फिल्म स्टार के साथ शादी करना लिखा है. And for that, I guess I'll just have to wait. You're the best, Mohit. I know. But चलो, no more getting emotional. हमने एयरपोर्ट पर राजीव को सी ऑफ करने जाना है. Okay? Let's go. Okay. यार मोहित, हाँ, आज आखिरी बार तेरे पैसे से दारू पियेंगे. क्यों? आज के बाद यूँ समझ लो कि हम अपने पैरों पे खड़े. अरे हाँ यार, okay. दो साल से तू कमा रहा है और हम पी रहे हैं. हाँ. अब हम कमाएंगे और तुझे पिलाएंगे. सबसे ज्यादा मैं कमाऊंगी, इसलिए सबसे ज्यादा मैं ही पिलाऊंगी. फिर से शुरू मत करो ये सब. चढ़ने से पहले ही उतर जाएगी. कम ऑन कम ऑन गाइस, चीयर्स टू मोहित. थैंक यू थैंक यू. बाय बाय बाय. ए संभल के जाना, ठोकना मत गाड़ी को. हाँ तू भी ना. Have fun. Take care. Have a good trip. Bye. Hey, partner. See you. Have fun. Okay. Bye. 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 उस दिन सिर्फ राजीव ही प्लेन नहीं पकड़ रहा था, बल्कि हम सब एक नई जिंदगी में कदम रख रहे थे. कॉलेज की सिक्योरिटी से दूर मेरे सारे दोस्त एक दूसरे का हाथ छोड़ के अपनी अपनी तय की हुई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, और मैं, मुझे तो अपनी मंजिल भी ढूंढनी थी. मिस रिचा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए. मिस रिचा, मेरी बात तो सुनिए. क्या सुनूं? Are you an NRI? No. Are you a millionaire? No. Do you have a private jet? No. Do you have a body like Salman Khan? Come on, yeah. Bloody liar. Miss Richa, देखिए Miss Richa. Miss Richa, देखिए. One minute, देखिए. Miss Richa, मुझे जो कहना है, कहने दीजिए ना. क्या कहना है आपको? क्या कहना है? शादी.com में आप अपनी शादी का ऐड देते हैं, फिर झूठ बोल के मुझ जैसी लड़कियों को रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि हम आपसे शादी भी कर लें. You think this is some kind of a joke? No, not at all, Miss Richa. सच तो ये Miss Richa कि मैंने इंटरनेट पे आपका फोटो देखा और देखते ही आपके प्यार में पड़ गया. मैंने आपसे झूठ जरूर कहा था, लेकिन इतना भी गाय गुजर नहीं हूं मैं. ये देखिए. Now what is this? ये देखिए, आपके होने वाले पति का आर्टिकल भी छपा हुआ है. ये देखिए, मेरा नाम मनीष गुप्ता, बट यू कैन कॉल मी मनु. मनु, जिस दिन ये मैगजीन तुम्हारी हो जाएगी ना, तो तुम मुझे फोन करना. अगर मैं तब तक बूढ़ी ना हो गई हूँ या मुझे कोई और ना मिला हो, तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगी. मिस रिचा, मिस रिचा, मिस रिचा. वर्मा जी बोले कि हमें एक रैली में जाना. मैंने कहा जाइए, और उसके बाद जी. अरे अरोड़ा साहब, एक मिनट. जी नमस्कार. नमस्ते, नमस्ते. नमस्कार. प्रणाम भाभी जी, कैसे हैं आप? अरे कुलकर्णी सुन. जी सर. ये कोल्ड ड्रिंक है ना, वहाँ एसपी साहब है ना, वहाँ दे देना. अच्छा. और अपना अंदर ड्रिंक पड़ा है, वो पार्सल साहब का ग्रुप है ना. ए भाई कुर्ता, एक कोल्ड ड्रिंक देना. क्यों राजीव तू? ए पीछे पीछे पीछे, डोंट हग मी यार, सूट खराब हो जाएगा मेरा. एक्सपेंसिव इट इज. क्या हुआ यार तेरी पावर का? हाँ, एक साल हो गया ज्ञानेश्वर की पारी ज्वाइन किए हुए. मंत्री क्या तू तो संतरी नहीं बना? ब्रदर, ऐसे तो तू शर्त हार जाएगा. तू साला ओवर कॉन्फिडेंस में मरेगा. वैसे भी शर्त पूरी होने में अभी तक 4 साल बाकी है. तू जा, जा स्टेज पे जाके वीआईपीस के साथ फोटो खिंचवा, तेरे ऑफिस के दीवार पे टांगने के लिए काम आएगा. अच्छा. कोलीवाड़ा की चाल से यहां तक पहुंचने में मुझे 1 साल लग गया, पर यहां से वहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. मैं मजाक कर रहा था बड़ी. आई बिलीव यू. मुझे मालूम है तू इन सब की छुट्टी कर देगा, बस तुझे एक मौके की जरूरत है. कम ऑन, ऑल द बेस्ट. अरे नहीं भाई, पाने जी आप हैं और आप हैं तो हम. जी जरा 2 मिनट. एक्सक्यूज मी. जी अगले हफ्ते आपको याद है ना हमारे पॉलिटिकल वो चीफ मिनिस्टर के बेटे वाली बात सच निकली. सीबीआई को घोटाले के सबूत मिल चुके हैं. मानिक,
अपनी बेटी की शादी पर इससे बढ़िया तोहफा मुझे और कुछ नहीं मिल सकता था। रोहन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, प्लीज मुझे जाने के लिए कभी मत कहना। आई लव यू रोहन, आई लव यू। कट इट, फैंटास्टिक, ओके। मोनिका, पैक अप फॉर यू टुडे। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट ऑर्डर अरेंज करो। गुड, गुड। अरे माइंड ब्लोइंग। विनोद जी, वी गॉट टू सेलिब्रेट। अभी आइए ना हमारे साथ, प्लीज कम। दूसरी लड़की को बुलाओ। हाय माया, यू वांटेड टू सी मी? हाय बेबी, सी व्हाट वी गॉट। ये तो राज गुजराल है ना? यस, एंड ही इज सीइंग अ न्यू बॉडी। मुझे ये फोटोग्राफ स्कैंडल के फ्रंट पेज पे चाहिए। एंड डार्लिंग, राइट एन आर्टिकल विच रुइंस दिस प्लेबॉयज लाइफ। कूल। इसमें श्रीवास्तव साहब का इंटरनेशनल अकाउंट नंबर है और शाम तक पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। हो जाएगा, पर हमें वो लाइन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा साहब। थैंक यू। इंडियाज इकोनॉमी इज बूमिंग, मोस्ट बिजनेसेस आर बाउंड टू ग्रो। वेल, टू बिगिन विद, वी हैव एक्वायर्ड अ पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू हैव आवर ओन लग्जरी होटल। फ्रॉम देयर ऑन वी प्रोबब्ली गो ऑन टू एयरपोर्ट मेंटेनेंस, probably on our own airline. Baki details aapke samne hain. Avasthi, what do you think? Tumhe kya lagta hai? Looks good. Plan bahut acha hai. Agar ye ho gaya to revolution ho jayega. Rajiv, ye zameen hame mili hai? Haan bhaiya, aap chinta mat kijiye. Cheers. Cheers, everybody. Yes, I know, it's very good. Yes, it's imported all the way from France. Oh, wow. Yes. Especially for the pot. I just love that. It's a wonderful country. It's a beautiful country, and Mr. Gujral, you know. Yeah. Can I speak with you for a minute? Okay. Yes. May I know who you are? My name is Ishita from Scandal magazine. Scandal. ये स्कैंडल वालों को तो सैंडल से मारना चाहिए। थैंक यू, दैट्स अ रियली चीप मैगजीन। आई डोंट स्पीक टू सच स्टफ, सॉरी। आई एम नॉट कम हियर टू इंटरव्यू यू। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कोई हरकत इस चीप मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपे, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ, मैं तो डर गया। बट वेल, शी इज अ प्रीटी लेडी। You can't refuse a pretty woman. Excuse me, gentlemen. Okay. Come. Please come. So let's talk business. How much do you want? पैसे चाहिए होते तो आपके rivals के पास जाती। मुझे तो शायद ये फोटो ना छापने की वजह से अब तक उस चीप मैगजीन से निकाल भी दिया गया होगा। एक्सक्यूज मी मिस, जस्ट मिनट प्लीज। मुझे समझ नहीं आया आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं। लगता है इससे पहले किसी अच्छे इंसान के साथ मुलाकात नहीं हुई आपकी। नेगेटिव जरूर इंसान। नहीं मालिक, नहीं। मोर्चा नहीं निकलेगा तो मुद्दा कैसे बनेगा? और इस वक्त अगर हम लोगों ने अपने हाथ नहीं सेके तो मुख्यमंत्री के घर में आग लगने का फायदा क्या हुआ? कामता प्रसाद हमारा इरादा जानता है सर। उसे लगता है कि वो कोई ना कोई चक्कर चला के एक दो दिन में ये मामला दबा देगा, और तब तक वो कोई हंगामा नहीं चाहता है सर। उसने अपने घर के आस पास 500 मीटर तक बंदोबस्त लगा रखा है। अब ऐसे में हमारे वर्कर्स
पोस्टर्स और बैनर्स अगर घर में कुछ मैं कुछ नहीं जानता। हमें कुछ भी करके ये मोर्चा निकालना है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो मानिक, अगर हमें उनकी पार्टी को हराना है तो वो कामता प्रसाद के बगैर हो सकता है, उसके साथ नहीं। सोचो सोचो, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है सर। कौन है ये लड़का? नया है, पिछले साल ही पार्टी ज्वाइन की है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में मुंह नहीं खोलते हैं। सॉरी सर, पर मैंने तो ये सीखा है कि जब बात बड़ी हो तो कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, न कहने वाला और न ही सुनने वाला। बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा? सर आपको जरा घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट गाड़ी इधर से अलाउड नहीं है। प्लीज ये बराबर लक्ष्य ठेव। चलो चलो जल्दी चलो, कमान कि लोक सत्ता के वर्कर्स वहां भी इकट्ठा हो चुके हैं और उनके कार्यकर्ता जय गोखले की अगुवाई में जम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है। क्या बोले थे कामता प्रसाद? ज्ञानेश्वर बाबू सत्ता के ख्वाब देखना छोड़ दो, जिंदगी भर ऑपरेशन में रहोगे। साले की ऐसी लुटिया डूबी, ऐसी डूबी कि जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा, देख लेना। कोशिश की हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों का गला घोटा जा रहा हो। ये लौंडा बहुत काम का है माने। पहली बार नहीं हुआ है कि लोकतंत्र के नाम पे तान। पर कमाल की बात तो ये है कि जो इसने सोचा, लेकिन कब तक चलेगा ये सब? वो किसी और ने क्यों नहीं सोचा? हे शाबाश, वाह क्या बात है, वाह, आज लाठी खाया बेटा, कल जयकार होगी। हाय, क्या हुआ, आपने वो मैगजीन खरीद ली? क्या बात कर रही है आप, इतनी जल्दी बूढ़ी थोड़ी ना होने वाली है। मैं जरूरी काम से आया हूँ। अच्छा, क्या काम? वो सेविंग्स अकाउंट खोलना है। सेविंग्स अकाउंट के लिए सेविंग्स की जरूरत होती है और हमारे बैंक में तो मिनिमम 10,000 की जरूरत पड़ेगी। आई नो, 5,000। दो हजार, 7,000, दो और हजार, 9,000 एंड 1,000, 10,000। गणपत, वो एक सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म लेकर आना। अच्छा मिस रिचा, ये लोन का फॉर्म कहाँ मिलेगा? लोन?
हाँ, वो आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट के अगेंस्ट लोन देता है ना। आपका सेविंग्स अकाउंट खुला नहीं और आपको लोन चाहिए? वो क्या है मिस रिचा, कि मेरा मैक्सिमम आपके मिनिमम की भेंट चढ़ गया। अब मेरे मिनिमम के लिए जो आप मैक्सिमम कर सकती है कर दीजिए ना। ओके गणपत, वो सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म मतलब। अरे अरे क्या करिए आप, हर बात में गणपत को इन्वॉल्व करती है। अच्छा चलो, लोन मत दीजिए, वैसे ही आ जाइए, आई मैनेज। आ जाइए कहाँ? आ जाइए, मुझे आपको डिनर पे ले जाने के लिए लोन की जरूरत थी। इट्स ओके, आई मैनेज। आप मुझे डिनर पे ले जाना चाहते हैं और वो भी बिना पैसे के? ओह, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं डिनर के लिए? वड़ा पाव खिलाने के लिए? अरे नहीं नहीं, 5-star hotel। ओह, एंड हाउ विल यू पे फॉर इट? दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आई वांट टू सी दिस, आई रियली वांट टू सी दिस। ओके, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इसके बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगे। ओके, और अगर सच निकले तो आप हमेशा मुझे अपना पीछा करने देंगे। डन? मेबी। अरे वेट वेट वेट, कहाँ जा रही हो? कम ऑन, मेरी पहली फिल्म का पहला प्रीव्यू है, कान मेरे नहीं रहोगे। कम ऑन कम ऑन। आ रहा हूँ। रोहन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, प्लीज मुझे जाने के लिए कभी मत कहना। आई लव यू रोहन, आई लव यू। वो फिल्म में आया कैसे? ऐसे सीन में एक्सपर्ट की जरूरत होती है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपनी पहली फिल्म में तुम्हें एक्सपोज ही नहीं करना पड़ा। उसे फर्क क्या पड़ा, लोगों को तो यही लगने वाला है कि ये सीन मैंने किए ना। मैं फिल्में लोगों के लिए बनाता हूँ, तुम जैसे नए लड़के लड़कियों के लिए नहीं। और फिल्मों में ये सब कुछ करना ही पड़ता है। सर, आपको मुझे पूछा चाहिए था। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? बात को खींचो मत, तुम इतनी बड़ी स्टार नहीं हो गई हो कि तुम्हारा नाम पढ़कर लोग फिल्म देखने आएंगे। मैं देखती हूँ अब ये सीन्स काटे बिना फिल्म कैसे रिलीज करते हैं। I'll destroy you, I'll take your record. मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी। I'll expose the reason film maker that you. How dare you do this to newcomers like us? I'm going to take your record. You wait and watch. भाई रिलीज तो एसोसिएशन भी नहीं रोक सकती। मेरी बात माने तो चुप रहने में आपकी भलाई है। आज गुरुवार है, कल फिल्म रिलीज हो जाएगी और मंडे से पहले कोर्ट खुलेगा नहीं, तो स्टे का सवाल ही नहीं उठता। Hey, it's okay. इशिता मैडम। Yes? राज गुजराल साहब ने आपके लिए फूल भेजे हैं। क्या कहा उसने? कुछ अजीब बोला इंग्लिश में, थैंक यू बट नॉट थैंक यू। अब डाका डालेंगे या भीख मांगेंगे? चल। रेस्टोरेंट तो इधर है, तुम कहाँ जा रहे हो? रूम सर्विस। तुमने यहाँ पे रूम बुक किया है? चलो आइए आइए। कमरे का नंबर भूल गए? नहीं तो कर क्या रहे हो? कुछ नहीं,
मिल गया। रूम सर्विस प्लीज। या आई एम कॉलिंग फ्रॉम 303 चाइनीज मुगलाई। व्हाट चाइनीज मुगलाई? चाइनीज चाइनीज वन स्टर फ्राइड चाइनीज वेजिटेबल्स, टू वेज सूप, वन वेज फ्राइड राइस एंड वन डाइस चिली चिकन। यस, डिनर फॉर टू प्लीज। थैंक यू। मैंने वादा किया था ना कि 5-star होटल में खाना खिलाऊंगा। होटल भी 5-star है, खाना भी 5-star है। सूप से शुरू करें। असी तो। Yes, come in. Yes, Avasthi, tell me. सर एक बैड न्यूज है। सर वो मिनिस्टर है ना, श्रीवास्तव, वो अर्बन प्लानिंग वाला, उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है सर। सर जिन जिन लोगों से उसने रिश्वत ली थी उन सबका नाम कैमरे के सामने बक दिया है। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता? Why are you telling me this? सर उन नामों में से एक नाम हमारी कंपनी का भी है। What? Yes, sir. हमारी कंपनी में से कौन रिश्वत दे सकता है? भैया मैंने जो कुछ भी किया कंपनी की भलाई के लिए। कंपनी की भलाई के लिए नहीं, कंपनी को डुबाने के लिए किया तुमने। पिछले 50 साल से हमारे पापा और मैंने इस कंपनी की जो इज्जत बनाई है उसे तुमने एक साल में मिट्टी में मिला दी। साइकिल पर घूमते थे हमारे पापा ऑर्डर्स लेने के लिए और डिस्गस्टिंग। शुक्र है कि आज हमारे पापा जिंदा नहीं, वरना तुम्हारी इस हरकत को देखकर वो जीते जी मर जाते। बस कीजिए, जो होना था वो हो गया। You know what, सरिता, जो हो गया सो हो गया, ठीक नहीं। अब जो हुआ है इसे खुद ठीक करना होगा। प्रेस और लीगल मैटर्स को मैं संभालूंगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने से खुद माफी मांगनी होगी और वादा करना होगा कि आइंदा ये कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करेगा। अगर इसे मंजूर है तो ठीक है, वरना वरना इसे रिजाइन करना होगा। So when am I going to see you next? I don't know. But I know. कितनी अजीब बात है ना, तुम मेरे पास तब ही आते हो when something's troubling you. और ऐसे में समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे आने से मुझे खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। Good morning. क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं यार, छोड़ना। मोहित मेरी पहली फिल्म का रिव्यू है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे बाबा तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, ये प्रेस वाले तो कुछ भी लिखते हैं, कोई नई जर्नलिस्ट है। सो पर लिखा क्या है? लीव इट मोनिका, ये मोहित जस्ट रीड इट आउट टू मी ना। ओके। अनदर एस्पायरिंग गर्ल चूजेस द सिंपल रूट, शेडिंग क्लोथ्स इज बिकमिंग सिनोनिमस विद न्यू स्टारलेट्स इन बॉलीवुड। द डेब्यूटेंट एक्ट्रेस New Monica Seth tries to get the box office cash counters jiggling with massive skin show. Her body reveals more than her facial expressions. It would have been worth the ticket if we could see even 10% of her acting prowess as compared to the 100% body that she has flaunted on the screen. In a word, avoid. Finished.
इशिता मैडम। यस। गुजराल साहब ने आपके लिए ये दिया है। इस दफा क्या बोला? सेम टू सेम बोला, इंग्लिश में थैंक यू बट नॉट थैंक यू। हाय, दिस इज राज गुजराल। आई नो, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। रियली? यप। यू वांट टू मीट मी, राइट? राइट, योर प्लेस और माइन। How about my farmhouse? No problem. Okay, send you my car at 7? 7 is cool. Welcome! Welcome to my humble, humble home. Nice house. Thank you. What can I get you to drink? Tell me. Where's your bedroom? Sorry? What? Aapka bedroom. ऊपर। कम। हे हे, व्हाट्स गोइंग ऑन? हे हे, वेयर यू, व्हाट यू, व्हाट डू यू हैव इन माइंड? हेलो, व्हाट आर वी डूइंग? कम ऑन, टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर जैकेट। व्हाट? दिस इज व्हाट यू वांट ना? फ्लावर्स, गिफ्ट्स, डायमंड्स, और जब लड़की इंप्रेस हो जाए तो बिस्तर। सो कम ऑन, हरी अप, व्हाट यू वेटिंग फॉर? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आप तुम गलत समझ रही हैं। आपके मैंने ऐसे बारे में सोचा नहीं था। रियली? यू डोंट वांट दिस? नो, मैं तो सिर्फ आपसे जान पहचान करना चाहता हूँ। ओह गॉड, हाउ सिली ऑफ मी। आप मुझसे जान पहचान करना चाह रहे थे और मैं, आई एम सो सॉरी। Fine. Now that sex is out of the way, we can be friends. Yeah. Yeah. I'll have that drink now. Sure. मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा ऋतुरेवा। हमारा दोस्त तो सचमुच इंटेलिजेंट निकला। क्यों? जो उसने तुम जैसी लड़की को ढूंढी, पर अब तुम्हारी समझ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एक मिनट, होता है यार, तूने मुझसे दोस्ती करके समझदारी की। बिल्कुल, पर मुझसे तो बेवकूफी हो गई ना। सही बोला। तुम सारे दोस्त एक दूसरे से हमेशा ऐसे ही बात करते हो। हाँ, हमेशा। इन सबको मैं कॉलेज से जानता हूँ, सब साले ऐसे ही। मनु सेल्मी बट सम बेट यू गाइस हैड, दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। हाँ, एक्चुअली ये सब जानते हैं कि मैं ही जीतने वाली हूँ। और अगर ये हार भी गए ना तो कभी नहीं मानेगी। नहीं, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड को जज बनाया। सक्सेस का तो पता नहीं, पर इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ अस ऑल। क्योंकि ईमानदारी आजकल सिर्फ बेवकूफ लोगों के पास ही बची है। एक मिनट, अगर मैं बेवकूफ ना होता तो मैं शर्त लगाता, और अगर शर्त 2 साल की होती तो मैं जीत जाता। क्यों? क्यों? क्योंकि आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। जय गोखले मेरे ऑफिस सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं आएगा, पता दोस्त असली बात क्या है? पॉलिटिक्स में मुझे नहीं, साले तुझे होना चाहिए था। अब मस्का भी लगा रहा है। आई लाइक इट। एनीवे, मैं तेरे साथ एक खास बात करने आया हूँ। तू तो जानता है इलेक्शंस आ रहे हैं, और इलेक्शंस में फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो चंदा मांगने आया है? नहीं, यू समझ ले मैं तेरे साथ डील करने आया हूँ। इलेक्शंस में हमारी पार्टी के जीतने के काफी चांसेस हैं, और अगले कुछ सालों में बहुत सारी नई कंपनीज आने वाली हैं, मल्टीनेशनल्स के साथ टाई अप्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, लाइसेंसेज वगैरह वगैरह। सो बेसिकली
ये सारे बेनिफिट्स उसी को मिलेंगे जो इस वक्त हमारा साथ देगा, समझा? नो मीन्स नो राजीव. लुक राजीव, हमारी कंपनीज ने ना कभी ऐसे पहले किया और ना ही करेगी. भाई आप समझते क्यों नहीं, बड़ा बनने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना बहुत जरूरी है. कितना बड़ा बनना चाहते हैं तू राजीव? 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी तेरे लिए काफी नहीं है. मानता हूं आपने इस कंपनी को 5,000 करोड़ तक पहुंचाया है, पर वो सब आपने किया है, मैंने नहीं. क्या मुझे इसे आगे ले जाने का हक नहीं है? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है भैया कि जो मैं सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं? राजीव, इसलिए क्योंकि तू बच्चा है, अभी तक तुझे एक्सपीरियंस नहीं है. लुक राजीव, ये पॉलिटिशियंस किसी के नहीं होते. तू किसी एक की मदद करने जाएगा, दूसरा तुझसे नाराज हो जाएगा, फिर तू उसे संभालने की कोशिश करेगा, पहले वाले से साथ छूट जाएगा. गवर्नमेंट्स बदलते रहते हैं, लेकिन राजीव हमारी कंपनी की पॉलिसीज कभी नहीं बदलनी. पर भैया वरन जो प्लीज ट्रेन अंडरस्टैंड. राजीव, व्हाट आई हैव सेड इज फाइनल. अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी. ये केबल वाले भी ना एक भी चैनल सेट नहीं हो रहा है, तुम ट्राई करो ना प्लीज. छोटा भाई कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा छोटा ही रहता है. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. दे बोथ सो लवली. आई डोंट नो व्हिच वन टू टेक. सिंपल, व्हेन आई एम इन डाउट आई टेक बोथ. दोनों ले लो. रियली? यप. एक्सक्यूज मी सीमा. हेलो सीमा. Hi, baby. How's the wifey doing today? Yeah, of course I'm missing you. Yeah, for sure. How are the bachchas doing? Hello, Scandal Magazine. Can I help you? Yeah. Hello. Hi, Ishita. Ah, Ishita. Long time. जॉब क्या छोड़ दिया? तुम तो गायब ही हो गई. जॉब नहीं कर रही तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ इतना काम किया है कि तुम्हारे लिए काम करने की आदत हो गई है. रियली? एनी न्यू गॉसिप? आई एम सेंडिंग यू सम फोटोग्राफ्स. अगर तुम चाहो तो ये इस साल का सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता है. चेक योर मेल. कब तक घर में ऐसे ही बैठी रहेंगी आप? कब तक? एक साल से आपने कोई काम नहीं किया है. मेरी बात माने तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए. ठीक है, सेकंड लीड रोल है, लेकिन सामने कितना बड़ा हीरो है. साथ काम करेंगे तो कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, और आप तो जानती हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिश्तों पे चलती है. आई थिंक इज राइट स्वीट हार्ट. वैसे भी 15 दिन घर के बाहर रहेंगे ना शूटिंग पे, तो पुरानी बातें दिमाग से ऐसे भी निकल जाएंगी. आई थिंक वी शुड स्टार्ट अफ्रेश. मेरी बात माने तो रोहित कुमार कोई छोटा मोटा स्टार नहीं है. एक बार साथ में काम करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. परफेक्ट, इट इज डिसाइडेड. आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आता हूं. ओके. गुड मॉर्निंग एवरीवन. नमस्ते दादा, और कैसे हैं? सब ठीक? और तुम लोग भी आ गए हैं? और गबूजा? बस बढ़िया जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. और क्या है? बस तैयारी चल रही है जी. अच्छा, और वो ए नहीं लड़की, जल्दी आना. ए चल चल जल्दी आ, चल चल ओ सामने.
ऐसे करो, तुम अपनी तैयारी करो, मैं जरा अपनी तैयारी करता हूँ। हाय, आई एम रोहित कुमार। ऑफ कोर्स सर, मैं आपको पहचानती हूँ। आप पहचानती हैं लेकिन जानती नहीं। भाई वाह, क्या बात है। कमाल का आदमी ये भी है, 10 करोड़ तो ऐसे ले आए जैसे नुक्कड़ की दुकान से मिठाई है। भाई पहली बार कोई आदमी ऐसा मिला है जो तुम्हारे भी कान काट रहा है मानिक है। इधर आ, इधर आके बैठ, आजा। भाई मजा तो तब आए जब चौगले को हराया जाए। पार्टी में बड़ा दबदबा है साले का, और अगर चौगले हार गया ना तो पार्टी की हिम्मत टूट जाएगी। ये काम तो बहुत मुश्किल है सर। चौगले पिछले 3 बार से जीत रहा है वो सीट से, वो भी 2-2.5 लाख के मार्जिन से। उसके सामने तो कोई फिल्म स्टार भी खड़ा नहीं होगा। पहली बार तुम्हारे मुंह से ना सुन रहा हूं बेटा। लुक सी मा, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। यू नो व्हाट राज, two people come together because they have same needs in life, but it's obvious that your needs are different. Raj, main apni zindagi self respect ke sath guzarna chahti hu, aur wo ab tumhare sath possible nahi hai. I'm sure Raj will settle this matter out of court. काम हो गया साहब। ईशा चौगले, बहुत ही प्यारा नाम है आपने रखा। कि आपकी उस बुरा मत मानिए चौगले साहब, पॉलिटिक्स है और आप तो जानते ही है पॉलिटिक्स में अपनी ताकत से ज्यादा ऑपोजिशन वालों की कमजोरी पर नजर रखनी पड़ती है। और आपने तो आपकी कमजोरी को देहरादून में छुपा कर रखा था। क्या है, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, पर ये टीवी वाले हैं ना, उनके लिए कोई भी बात पर्सनल नहीं होती, फट से हेडलाइन बना देते हैं। रमाकांत चौगले की नाजायज औलाद टून स्कूल में, और आजकल डीएनए टेस्ट है, पुरानी फोटोग्राफ्स और न जाने और क्या। अगर साबित करने पर उतरा है ना तो आपकी इज्जत को सड़क पर ले जा सकते। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। अरे चौगले साहब, आपने भाभी जी को बच्ची के बारे में बताया कि नहीं? बच्ची? किसकी बच्ची? ये बच्ची। ये चाहते हैं हम इसे किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाने में इनकी हेल्प करें। ओह, बड़ी प्यारी बच्ची है, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जी वाह चौगले साहब वाह, क्या सफाई से आपने भाभी जी को बेवकूफ बनाया। क्या चाहते हो तुम? मुझे क्या चाहिए, मैं तो ज्ञानेश्वर जी का सेवक हूं, बस उनका मैसेज लेके आया था। वो चाहते कि आप राजनीति छोड़ दीजिए और बाकी की जिंदगी आराम से बिताइए बस।
तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, जिससे बात करनी है कर लो। मैं इस इलेक्शन से अपना नाम वापस नहीं लूंगा। मैं ज्ञानेश्वर से समझे तुम, मैं ज्ञानेश्वर से भाभी जी, चलता हूँ। अजीब धंधा है ये राजनीति भी। यहाँ किसी के आंसू किसी और के लिए मुस्कान बन जाते हैं। कहीं ये तुम्हारी साम दाम दंड भेद वाली नीति तो काम नहीं कर गई बेटा? तेरे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मानिक जी। क्यों ना इसे अपनी पार्टी का ट्रेजरर बना दें? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मोनिका जी, आप क्या कर रही हैं? थोड़ी फीलिंग के साथ कीजिए, फीलिंग के साथ, ओके? मोनिका जी, ये फिल्म है, यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, let's do one more, okay? हाँ, एक और, हैं? Okay, start sound. 1, 2, 3, 4. Hi. Still upset? May I come in? Let me be really straight with you. I like you, and I want you. To be honest, I want to sleep with you. जो मुझे चाहिए तुम मुझे दे दो, और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो सोच लो, तुम एक बड़े बैनर और एक बड़े हीरो के साथ काम करके एक बड़ी हीरोइन बनना पसंद करोगी, या एक छोटे बैनर के साथ काम करके सेकंड लीड में आना पसंद करोगी? द चॉइस इज ऑल योर्स। ए स्वीटहार्ट, हाउ्स इट गोइंग? भैया, रह के मुझे मिसफेस कर रही हो या नहीं? ए, मैं मजाक कर रहा हूं यार। देखो, वहां पे सिर्फ काम के बारे में सोचना, मेरे बारे में नहीं। ऑलराइट, अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ यूनिट कैसी है और वहां के लोग और वो हीरो? ए, क्या हुआ?
Is everything okay? मोहित मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ प्लीज. I'm just really tired. Yeah. Sure. Take care, okay, and take some rest. Love you. Bye. Hum tum jaage soe soe betabi mein khoe khoe chhod ke sare jahan ko aaye kahan doing this to me. मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं देती हो, मेरे मैसेजेस नहीं लेती हो. What have I done to deserve this treatment? देखो उस मैगजीन में जो कुछ भी छपा उसमें मेरा कसूर नहीं था. पर जब से ये बात दुनिया के सामने आई है मेरा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है. अपने पेरेंट्स और नेबर्स को तो मैं समझा सकती हूँ पर रास्ते पे चलते हर आदमी का मुंह तो नहीं पकड़ सकती मैं. सब जानते हैं तुम्हारा अपना घर है, बीवी है, बच्चे हैं, फिर मैं क्या हूं? What is my status? तुम तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहते हो पर लोग तो मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस कह के पुकारते हैं. एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू दैट एनी मोर. वी हैव टू स्टॉप दिस राज. सीमा और मेरा डिवोर्स हो गया. I need you, Ishita. I love you. Will you marry me?
हेलो, हाँ ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं, जन जागृति पार्टी। नमस्कार। देखिए इलेक्शन जीतते ही सबसे पहला फोन आप ही को कर रहे हैं। हाँ। जैसे ही ऑफिस संभालेंगे सबसे पहला काम भी आप ही का करेंगे, देख लीजिएगा। हाँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपको मेरा नहीं पब्लिक का काम करना चाहिए जिन्होंने आपको वोट दिया है। अरे पब्लिक ने तो हमें वोट दिया है ना, देखिए नोट तो हमें आप ही ने दिया है। और आपको मालूम है कि आजकल तो इलेक्शन में बिना नोट के वोट भी नहीं मिलता है साला। राजीव, राजीव, क्या हुआ? राजीव कहाँ है? वो अपने कमरे में। क्या हुआ भाई? मेरे मना करने के बावजूद तुमने ज्ञानेश्वर की पार्टी को पैसे दिए। हाँ भैया, क्योंकि मुझे लगा वो बाद में हमारे काम आ सकते हैं। क्या काम आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, इसकी समझ मुझे नहीं है। ये कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुमने अपने खुद के पैसे खर्च नहीं किए, कंपनी के पैसे खर्च किए। भैया आप ऐसी बात करें जैसे मेरा उन पैसे पे कोई हक नहीं था। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। खर्च कर सकते हो लेकिन कंपनी की पॉलिसी को साइड में रखकर नहीं। और जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे, देन व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट हैव यू डन? I am not an idiot. Do you understand? बचपन से आपने मेरे साथ ऐसा ही किया है। आपने हमेशा मुझे सिर्फ डांटा है। मुझे एक बार भी याद नहीं कि आपने मुझे शाबाशी देके मेरी पीठ थपथपाई हो। ये तू क्या कह रहा है राजीव? इन्होंने हमेशा तुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए इन्होंने मुझ पर रोब जमाना शुरू कर दिया। इन्हें अपने घर पे एक बच्चा चाहिए था, इसलिए इन्होंने मुझे कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। सच पूछी तो ये कभी चाहते भी नहीं थे कि मैं इनके साथ बिजनेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे आने से पहले यहां सिर्फ इनकी मनमानी चलती थी। ठीक है भैया, आप कीजिए अपनी मनमानी, पर मुझे भी अपने रास्ते पर चलने का हक है। मैं अभी और इसी वक्त अलग हो रहा हूं, आपके बिजनेस से भी और आपके घर से भी। Patrick, this deal is really important for us. It could make or break us. Yes, sir. Sare papers ready hai? Yes, sir. RBI clearance, mm-hmm. FIPB approvals, mm-hmm. and our business plans. Good. Mr. Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hi. Hello. Hello. Hi. Shall we? Aye. Great. Aap inke saath jaiye. I'll be back in a minute. Okay? Aye. Just take them, yeah? Mr. Rajiv Arora, tell us about the deal. Well, it's true we have entered into a collaboration with Gulf Western Air. We will be introducing our new airline, which will be called Sky Air. Sky Air for sure is going to be recognized. उसे तरक्की करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Safe flying. कहीं हमने उसे समझने में गलती तो नहीं कर दी? नहीं सरिता, वो जहाँ पहुँचना चाहता है उस पर मैंने कभी कोई इतराज नहीं किया, लेकिन जिस रफ्तार से वो वहां पहुंचना चाहता है उससे मुझे हमेशा डर लगता रहा है। सच पूछो तो वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर से चेक करो ना फोन ठीक से रखा है या नहीं। अरे बाबा फोन ठीक से रखा है, लाइन भी कनेक्टेड है और डायल टोन भी आ रही है, जब घंटी बजेगी तब आवाज आ जाएगी ना। व्हाई आर यू गेटिंग सो टेंस? अभी पहला शुभ नहीं छूटा होगा, जस्ट रिलैक्स, रिपोर्ट आ जाएगी। ओके हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड विनोद जी। हेलो। आर यू श्योर?
I can't believe this. क्या हुआ? It's a hit! What? It's a hit! Yeah. All right, baby. देखा, I told you. I मानती नहीं है ना? I love you. एक सेकंड. Hello? Hello, auntie. कैसी हैं आप? जी जी, we just got the news. जी, no no, she's right here. Hello. हाँ. Hey, what's up? So you're enjoying your first date, huh? Yeah, thanks. Of course. Monica, your mom from Delhi. I'll call her back. Okay, yeah. Sure. Haan ji, auntie. Actually, she's on the phone. मैंने कहा था ना, जो लड़की पर्दे के पीछे वाले रोड के करीब आ जाती है, वो हमेशा के लिए पर्दे पे आ जाती है. Anyway, this is just the beginning. So, रात को क्या कर रही हो? Not much. Well, come on over. Let's celebrate. Okay. Oh, baby. I am so happy. You know, I told you, hard work always pays. I'm so proud of you. Chalo, let's celebrate. Okay. Sir, main aapse kuch kehna chahta hu. Kehna to mujhe bhi tumse kuch hai. Acha? पहले आप कहिए. पहले तुम कहो. ओके सर, मैं सोच रहा था कि मैं जिंदगी में कुछ बेटर करना चाहता हूँ. ये फूड और इंटीरियर्स के आर्टिकल लिखते लिखते बोर हो गया हूँ. गिव मी समथिंग एल्स टू राइट, समथिंग रियली चैलेंजिंग. आई बेसिकली अ राइटर सर. आप ही बताइए कि मुझ जैसे टैलेंटेड और क्रिएटिव आदमी को ये शोभा देता है. आप क्या कहने वाले थे सर? मैं नहीं कहने वाला नहीं था, तुम्हें ये देने वाला था. इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो पहली तारीख भी नहीं हुई है. मैनेजमेंट एक तारीख तक इंतजार नहीं कर सकती. मैं समझा नहीं सर. तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है. क्या? हाँ भाई, तुम्हारे जैसे क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों की हमें जरूरत नहीं है. हमें तो चाहिए सीधे साधे आर्टिकल लिखने वाले जो तुम मन लगा के नहीं कर रहे हो. हाय हस्बैंड, हाउ आर यू टुडे? बड़ी खुश नजर आ रही हो. I have something to tell you. Even I have to tell you something. तो तुम पहले बोलो. नहीं नहीं नहीं, पहले तुम बोलो. एक बार पहले बोल के पछता रहो. You say. Okay, सुनो. I'm pregnant. तुम पापा बनने वाले हो. क्या हुआ? खुशी से चक्कर आ गया था. क्या? फायर्ड, नौकरी गई. ओ नो, पुअर यू. इट्स रियली सैड. ओ नो, दो के लिए पैसे नहीं है, तीसरा आ रहा है. आप क्या करेंगे? हे, याद है तुमने मुझसे कहा था, आई एम द ओनली पर्सन हु बिलीव्स इन यू. आई स्टिल बिलीव इन यू. जस्ट डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ. ओके, मिसेस राज गुजराल, एम आई राइट? यस, आई एम सीमा, एक्स मिसेस राज गुजराल. हेलो. हम पहले कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है.
You look so much prettier in person than on a magazine cover. So, कैसा लग रहा है मिसेस राज कुचराल बनके? I'm very happy. वो तो तुम्हारी शॉपिंग बैग्स को देखकर पता लग रहा है. Don't worry, I won't take much of your time. Just have a little advice for you. राज इज ए नाइस गाय. तुमसे पहले उसने मुझे भी बहुत खुश रखा था. सब दिया था उसने मुझे, पैसा, ज्वेलरी, कंफर्ट, सोशल स्टेटस, यहां तक कि दो प्यारे बच्चे भी. बस एक ही चीज नहीं दे पाया वो, लॉयल्टी. उस बेचारे के पास है ही नहीं. पता है तुम्हें यहां देखकर मैं क्या सोच रही हूं कि कल तक मैं जहां थी वहां तो तुम बहुत जल्दी पहुंच गए, लेकिन आज मैं जहां हूं वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगेगा. ऑल द बेस्ट. राज, मैं सोच रही थी हमारी शादी को एक साल होने वाला है. Yeah, I know. I was thinking we should plan our family, na? Baby, let's have kids. No. Sorry? No. No kids. That's not part of the deal. Deal? Yes. Family to mere paas already hai, baby. मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी. And I think तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगा. इसमें बच्चे कहाँ से आ गए? और वैसे भी रेहान और पिंकी के होते हुए I don't want any other children. Sorry. वो सीमा के बच्चे हैं, मेरे नहीं. वो मेरे भी बच्चे हैं इशिता. And I've had enough of this. Don't discuss anymore. You think I'm a fool? और वैसे भी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैं तुम्हें सब दे चुका हूं. So just forget it, baby. Got a gift for you. Mohit, I don't give a damn about this Rohit Kumar. He's a happily married guy and the whole world knows that. Why would he have an affair with me? And why would I have an affair with him? I love you, baby. मोहित, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम अ सेलिब्रिटी एंड एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. लोग मुझसे जलेंगे ही, मुझे बार बार सताएंगे. नाउ आर यू गोइंग टू बिलीव दिस मैगजीन? आर यू गोइंग टू बिलीव मी? बेबी, आर यू गोइंग टू बिलीव दिस मैगजीन? आर यू गोइंग टू बिलीव मी? जाके मेकअप कर लो मोनिका, यू विल बी लेट फॉर शूटिंग. आई लव यू बेबी, यू आर द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी.
Yes. ये रूपाली जी का घर है? जी, आप? मनीष गुप्ता. ओह, आइए आइए. हेलो डार्लिंग, सो नाइस ऑफ यू टू कम. सिट 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 प्लीज. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? टी, कॉफी और मे? जी. आई वाज जस्ट किडिंग. डू यू नो व्हाई आर यू हियर? नो. यू नो एवरी इवनिंग आई गो टू दिस पेज थ्री पार्टीज. आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. So last week Naran told me, "Hey baby, why don't you write an autobiography?" So I thought to myself, "Why not? Let's give it a try." That's a good idea. Do you really think so? That's so sweet. Now tell me, how much will you charge me? Madam, autobiography का मतलब है आत्मकथा. Biography आपके इसमें भला मैं क्या करूँगा? Oh please. Do I look like the writer types? I will give you all the gossip, idhar se aur udhar se, and you make it into a book. Bas. But there's just one condition. You're not going to tell anyone you're writing the book for me. Now tell me, how much will you charge me? 10 lakhs. 10 lakhs? Don't you think that's too much? Madam, atmakatha to aapki hai. पर आत्मा तो मुझे अपनी बेचनी पड़ेगी ना. आत्मा? What's आत्मा? आप नहीं समझेंगे. Oh, anyways, I'll write a check for you and your atma, and you start working from tomorrow. Okay? Okay. Good. So, Mr. Jay Gokhale, how was your childhood? Childhood? चाइल्डहुड का मेरी नींद से क्या लेना देना? लेना देना तो है. ये जो आप रात रात भर सो नहीं पाते हो. बचपन में ठीक से सोता था मैं. अभी नींद नहीं आती, अभी की बात कीजिए. ना दवा से नींद आती है ना दारू से. जाग जाग के थक गया हूँ मैं. देखिए, आपको नींद आ जाएगी, पर आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. हर मेंटल प्रॉब्लम का कनेक्शन कहीं ना कहीं चाइल्ड होता mental? है. व्हाट डू यू मीन? आप मुझे पागल समझती है? डू आई लुक लाइक मैड मैन टू यू? मैड? पागल नहीं है मिस्टर गोखले, बट आई एम साइकियाट्रिस्ट. डॉक्टर बत्रा ने आपको बताया नहीं कि मेरे काम करने का तरीका यही है? लेट्स टॉक अबाउट योर फादर, श्री प्रकाश गोखले. What kind of a person was he? उनकी डेथ कैसे हुई? Hey देवदा, चल ना डांस करते. छोड़ ना मुझे. कॉलेज में तो रोज डांस करता था, अब ऐसे बिहेव करे जैसे कोई मर गया. चल ना डांस करते. Excuse me. Hey, bhai. She's not single, not ready to mingle. She's with me. Hey. Check, kya kar raha tu? Check, kya kar raha hai? Check, what are you doing, Jay? Behave yourself, Jay. Jay, kya kar raha hai? पापा कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन थे. 1989 में जो बैंक स्कैम्स हुए उसमें उनका नाम भी था. उन्हें फंसाया गया था. उनके सीनियर्स और कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने
उन्हें यूज किया था, उनके पास पावर थी और पापा के पास सिर्फ इज्जत, जो वो पावर के सामने बचा नहीं पाए। वो नहीं चाहते थे कि उनके बीवी और बच्चों के सामने उन्हें हथकड़ियां पहनाकर उनके घर से ले जाया जाए, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। पावर और इज्जत की लड़ाई में मैंने इज्जत को अपने घर पे हारते हुए देखा है। उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह मैं इस पावर को हासिल करके रहूंगा। तुम अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते? अरे बिकॉज़ ही वाज़ अ कावर्ड, कमजोर आदमी थे, आसान रास्ता चुना उन्होंने। उन्होंने तो अपनी लड़ाई बीच में छोड़ दी, पर आज तक लोग मुझे बीमार आदमी का बेटा बुलाते। आई हेट माई फादर, आई हेट हिम। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ दिस इवनिंग, द वन पर्सन हु हैज मेड द डिफरेंस टू इंडियन बिजनेस, द एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ दिस ईयर, द नॉमिनीज आर श्रेयस आहूजा, गौतम बजाज, राजीव अरोरा, एंड दीपिका सिंघानिया, एंड द अवार्ड गोज टू राजीव अरोरा। Thank you, thank you. Good evening, everyone. I would like to thank the Chamber of Indian Economics and its jury for this lovely award. Most of all, I'd like to dedicate this award to all the people who thought I'd never be able to make it. To all the people who thought I had no business sense, जिन्हें लगता था कि मैं एक बच्चा हूं और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स गो प्लीज। वो मानेंगे तो आज भी नहीं, पर देख जरूर रहे होंगे कि वो कितने गलत थे और मैं कितना सही। पता गहरा गहरा राज
Enjoy the book, darling. Thank you. Excuse me. Yeah, sure. Yeah. Look promising. Just yet another. Hey, you, chokra boy, come here. Come here. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I just came to congratulate you. और सोचा कि अपनी बुक का रिस्पांस भी देख. It's not your book, dear. It's my book. और देख नहीं रहे हो कितने सारे प्रेस के लोग हैं यहाँ पे. What if somebody sees you? What if somebody recognizes you? लोग मुझे पहचानते तो मुझे एक काम करने की जरूरत क्यों पड़ती? I just don't care. I don't want to take a chance. अगर किसी को भी पता चल गया तो मैं सीधे पेज 3 से पेज 1 पे आ जाऊंगी. प्लीज गो छोकरा बॉय, जस्ट गो. मनु, I can't believe तुम सेक्स पे किताब लिखोगे. I just can't believe it. इसमें प्रॉब्लम क्या है? आजकल म्यूजिक वीडियो से लेकर फीचर फिल्म तक सब जगह यही तो बिकता है. Why should I not write about? मनु. अरे इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? इडियट, मैं तुम पे नहीं रिएक्ट कर रही हूँ. I'm in labor. Oh my god. मुझे कुछ करना चाहिए. मुझे कुछ मोशन डू. I need to do something. तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए. मुझे हॉस्पिटल ले जाओ. हॉस्पिटल? या या. ओके ओके. आई नीड टू टेक बेडशीट, वाटर, मेडिसिन. आई नीड टू टेक समथिंग. व्हाट शुड आई टेक? अपनी लिस्ट बाद में बनाओ. गो कॉल अ टैक्सी. या आई गॉट टैक्सी. या वेयर इज द एग्जिट? देयर इज द एग्जिट. ओह माय गॉड. इसका नाम क्या होना चाहिए? मृग नहीं, मृग के समान नैनो वाली. शट अप. तुम मेरी बच्ची का नाम रख रहे हो या अपनी कोई बोरिंग किताब का टाइटल ढूंढ रहे हो? क्या बात कर रहे हो स्वीटू? मृगनयनी तो हमारे शास्त्रों में है. रावण भी हमारे शास्त्रों में है. तुम्हारे पापा ने उस पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं रखा? हाउ अबाउट मोनालिसा?
इसकी स्माइल बिल्कुल मोनालिसा जैसी है, है ना? तुम इसे मोनालिसा बुलाओ या मृगनयनी। यू आर वेरी लकी रिचा, तुम्हारे पास बेटी तो है जिसे तुम नाम दे सकती हो, छू सकती हो, प्यार कर सकती हो। What do you mean? आपने recently 500 crore approve किया? The worst to be hit are the hoteling, entertainment and the transport sector. मेरे पास सब कुछ writing में है। Airline industry जो सरकार की नई निवेश नीतियों की वजह से अब तक आसमान देखिए ये। Has seen a reversal due to this crash. You cannot go back on your contract. I will sue you. अपने बड़े भाई से अलग हुए राजीव अरोड़ा की नई कंपनी स्काई एयरलाइन इज द वर्स्ट वन टू बी हिट। Can say it's a झंझट, it's a temporary thing. कंपनी के सीईओ राजीव अरोड़ा was unavailable for comment. My share price is going to go up. ICICI ने लोन देने से मना कर दिया। What are the other developments? I think, sir, we have to ground most of our other aircrafts. As it is, we are not getting good routes. We are losing 40 crores a day. He's right, sir. More bad news. Our competitors are buying our stocks left, right, and center. ऐसा लग रहा है, we could be up for a takeover situation. But sir, we will have to ground our aircrafts. दो साल पहले क्या हुआ था जय? What happened 2 years ago? Excuse me, those are mine. Sorry. ये जय गोखले है ना? उन्हें छोड़िए कांति भाई, आप अंदर आइए। Because you're not the same woman I married. Nagging, cribbing, shikayat, shikayat, 24 ghante. I mean, what do you expect? So now it's my fault. Meri galti hai ki tumhe Ahana jaisi ladki ke saath Dubai jana pad gaya. Come on, Raj. Look, Ishita, believe me. Malum nahi ye sab kaise ho gaya, but I don't love her or anything. I mean, it's nothing serious. How can you hurt me for something that's not even serious? सीमा ने ठीक कहा था, तुम्हारे पास लॉयल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे आदमी पे शक करके टाइम वेस्ट किया। मुझे तो पहले ही मालूम होना चाहिए था कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। Baby, I told you I'm sorry. आज के बाद आज के बाद तुम जो जी में आए कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। यू कैन गो स्क्रू ऑल द गर्ल्स दैट यू वांट, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट आई एम नेवर गोइंग टू डिवोर्स यू बिकॉज You know what? अगर तुम्हें राज गुजराल बनके अयाशी करने की आदत हो गई है, what is sad is that मुझे मिसेस गुजराल बनके जीने की आदत हो गई है। अब मैं चाहूं भी तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती। I don't know who I hate more, you or me. ऐसे क्या बात है जो पार्टी ऑफिस में नहीं हो सकती? बोलो, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि वहां
सबके सामने तेरी असलियत नहीं खोलना चाहता था। काम की बात करो। तो सुन, अगले महीने जो लोकसभा के इलेक्शंस है ना, उसमें ज्ञानेश्वर तुझे खड़ा करना चाह रहा है, पर मैं चाहता हूं कि तू खुद उसके सामने मेरा नाम प्रपोज कर, मानेक। वरना मैं उन्हें बता दूंगा कि जय गोखले कमजोर आदमी है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। बस प्रेस और मीडिया के हेल्प से तुम्हें पागल साबित करने में मुझे कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। लोग तो तुम्हें वोट देने से कतराएंगे ही, ज्ञानेश्वर भी अपने लाडले को इस इलेक्शन में खड़ा करने से पहले 10 बार सोचेगा, समझे? अब जलील होके इस इलेक्शन से अपना नाम वापस लेना है या इज्जत से इनकार करना है, फैसला तुम्हारा है। मेरी चाय का पैसा भर देना। संजीव अरोरा साहब बाहर आइए। संजीव अरोरा साहब, आर यू लिसनिंग? ओ मिस्टर अरोरा, कम आउट। राजीव आया है। मिस्टर संजीव अरोरा, बाहर आके अपनी जीत की खुशी नहीं मनाएंगे क्या भैया? देखेंगे नहीं कि आपके बताए हुए रास्ते पे न चलने वालों का क्या हाल होता है? बाहर आके मुझे यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप आज भी 5,000 करोड़ के मालिक हैं और मैं सड़क पर खड़ा हूं। मेरी हार, मेरी जिद का मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या भैया? प्लीज लेट मी ओपन द डोर। नहीं सरिता, उसे जो कहना वो मेरी आंखों में देखकर नहीं कह पाएगा, और अगर उसने ये सब नहीं कहा तो उसके अंदर का शोर कभी कम नहीं होगा। Don't open the door. Mr. Sanjeev Arora, जिस बच्चे को आपने कभी बड़ा ही नहीं होने दिया, आज वो चलना तो दूर, अपने घुटनों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा। उसे घसीटते हुए रेंगते हुए नहीं देखना चाहेंगे आप क्या? हाँ भैया, जिस कांच के खिलौने को आप सिर्फ अपनी हथेली पे सजा के रखना चाहते थे, उसे टूटते हुए नहीं देखना चाहेंगे क्या भैया? आइए और अपनी जीत पे हंसिए। पर मैं यहां अपनी हालत दिखाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको यह बताने आया हूं मिस्टर रोना, आई विल बी बैक। आपसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, द बेस्ट। I will be the best! सॉरी, जय गोखले है ना? उन्हें छोड़िए कांति भाई, आप अंदर आइए।
मानिक ज्ञानेश्वर कुमार का राइट हैंड मैन है, पर हम लोग तो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। मानिक ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं ज्ञानेश्वर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ज्ञानेश्वर के गांव में जाऊं और फिर कोई ना कोई चक्कर चला के उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की फाइल्स फिर से खुलवाऊं। जिस दिन मैं जाने वाला था उससे एक दिन पहले यह हादसा हो गया और एक्सीडेंट में मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। यह इतना आसान भी तो नहीं है। मैं आपसे कोई गलत काम करने को नहीं कहूंगा कांति भाई, पर एक सही काम करने में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। नॉर्थ बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सिर्फ दो ही नाम है, मानिक और जय गोखले। अब सीनियोरिटी के हिसाब से यह इलेक्शन मानिक को लड़ना चाहिए, पर पार्टी ने जय गोखले का नाम भी रिकमेंड किया है। तुम क्या बोलते हो जय? मैं क्या बोल सकता हूं, मानिक भाई सीनियर है, फैसला तो उनको ही करना चाहिए। मुझे लगता है ये इलेक्शन जय को लड़ना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि सब लोगों ने पार्टी के हितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब हमें सेंटर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। शाबाश शाबाश मानिक। सर वो लोग एक घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मिल लीजिए। क्या फायदा? फायदा नुकसान तो उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा ना सर। देखिए इस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट 3% चल रहा है, पर हमारी कंपनी आपको 1% पे 20 करोड़ देने के लिए तैयार है। मिस्टर मित्तल, हमारे बिजनेस में एक कहावत है, जो दरवाजे आपके नॉक करने से पहले खुल जाए उसमें सोच समझ के एंटर करना चाहिए। What's the catch? अब क्योंकि अगर आपकी कंपनी बंद होती है तो स्टील इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही मोनोपोली बचती है, संजीव अरोरा। देखिए हम लोग रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि स्टील इंडस्ट्री में मोनोपोली हो तो वो हमारा आदमी होना चाहिए, क्योंकि संजीव अरोरा जैसा जिद्दी आदमी हमारी टर्म्स और कंडीशंस पर बिजनेस कभी नहीं करेगा। और आपको सिर्फ खुद को ही नहीं खड़ा करना है बल्कि उसकी कंपनी के शेयर्स की कीमत को कम करने के लिए हमारी मदद भी करनी होगी। In other words, I destroy my brother and I get your money. सोच लीजिए मिस्टर अरोरा, इस वक्त आपको हमारी जरूरत है और हमें आपकी। Make the agreement. Excuse me. भाई साहब ये मोनिका जी की शूटिंग कहाँ पे? मोनिका जी का? उनका तो पैकअप हो गया 6 बजे। 6 बजे? Are you sure? साहब हमारा काम ही शोर होना है। बोलो राजू। वो मोहित साहब फिल्म सिटी में आए थे, हाँ उनको मालूम पड़ गया कि आपका पैकअप 6 बजे हुआ। Shit. What am I gonna do? क्या हुआ?
Mohit had gone to Film City. So, relax. How does it matter? It matters to me. He matters to me. Mohit, you scared me. I'm so sorry I couldn't make it to dinner. कहाँ से आ रही हो? Film City. I told you I was shooting, na? अगर acting करनी है, तो कैमरा के सामने करना. मेरे सामने नहीं. What are you saying? तुम Film City में नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ खुद तुम्हें सरप्राइज देने के लिए गया था, मगर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया. 6 बजे से तुम्हारा पैकअप हो चुका है, और तब से लगातार मैं तुम्हारे फोन पे फोन किए चले जा रहा हूँ. But you haven't once answered your call. क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ थी? किसके साथ थी तुम? Who is the guy, Monica? सरप्राइज तो मैं तुम्हें देना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इसके बारे में पहले से पता चले. मैंने सलीम को कुछ पैसे दिए थे, वो हांगकांग जा रहा था. तुम्हारे लिए लैपटॉप मंगवाया, मैं उसी के घर ये लेने गई थी. Because I know how much you wanted it. कहा था ना मोहित, मैं तुम्हारी खुशी के लिए 100 झूठ बोलने के लिए तैयार हूं. I'm so sorry जान. पता है, एक बार तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा. मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लिया था. आई लव यू सो मच, बट प्लीज डोंट एवर लाई टू मी. आई कांट लिव विदाउट यू. आई कांट लिव विदाउट यू. आई जस्ट कांट बेबी. I cannot believe this. Exactly 5 साल पहले इसी दिन हम लोग लॉकअप में बंद थे. And look at us today. Just that, guys. Good evening, buddy. Thanks. चल मनु, तू जल्दी फैसला सुना दे और जरा वो 200 निकाल के मुझे दे, क्योंकि शर्त मैं ही जीतने वाला हूँ. चल मनु, फैसला सुना दे. पांच साल से मैंने 200 रुपए को अपने सीने से लगा के रखा था. कुछ लगाव सा हो गया है. चल बस अब नाटक बंद करो और फैसला सुना दे. अरे यार, 5 साल से स्पीच बना रहा हूँ, आधी तो बोलने दे. 5 साल में कितने ऐसे दिन आए जब मेरी जेब में 1 पैसा नहीं था और मैंने सोचा कि मैं इन 200 रुपये को खर्च कर दूं. लेकिन मैं प्लीज यार फोन मत कर, बताना. राजीव अरोरा, happiness means to be the best, and now India's leading industrialist. Jai Gokhale, happiness means power, now youngest ever MP. Ishita Sharma, happiness means money, and now of course Mrs. Raj Gujral. And how can I forget Monica Seth, happiness means fame, now India's number one actress. बहुत मुश्किल फैसला है, क्योंकि तुम सब लोगों ने अपनी अपनी मंजिल हासिल कर ली है. Excuse me. Hello.
स्पीकिंग। व्हाट? मोहित इज इन द हॉस्पिटल। मोहित अग्रवाल कौन से रूम में है मैम? रूम नंबर 24, फर्स्ट फ्लोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। थैंक यू। इफ यू आस्क मी, चांसेस ना के बराबर हैं। ब्लड लॉस काफी हुआ है। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, बट आई डोंट थिंक सो। पर डॉक्टर हुआ क्या? आपको पता नहीं? He slit his wrist. ये सुइसाइड केस है। दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे? पिछले 6 साल से सिर्फ मैं उसे जानती थी।
और वो तो बेचारा ये समझता था कि वो मुझे जानता है. Yes, he was my boyfriend. And we were very much in love. But फर्क सिर्फ इतना था कि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अपने करियर से अजीब रिश्ता था हमारा. उसने मुझसे अपने बारे में कभी कुछ छुपाया नहीं और मैंने उसे अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं. शायद मैंने उसे कभी कुछ झूठ नहीं बोला पर जो सच मैंने उसे छुपाया वो दुनिया के किसी भी झूठ से ज्यादा बड़ा गुनाह है. यहां तक पहुंचने के लिए मैंने वो हर काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. हाँ, मोहित की मौत की वजह मैं ही हूं. फिल्मों में काम लेने के लिए मैं उसे धोखा देकर रोहित कुमार का बिस्तर गर्म करती रही और मोहित को जब ये पता चला उसने अपनी जान दे दी. उसने हमेशा मेरी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा किया और आज जब उसका भरोसा टूटा उसकी हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई. मौत की वजह मैं हूं, सिर्फ मैं. Take care, okay? I'll see you soon. Look after yourself. Yeah. Bye. Bye. Manu, I'm sorry, main shart nahi jeet payi. दूसरों के बारे में मैं नहीं जानती पर मेरा हक उन 200 रुपए पे बिल्कुल नहीं है. जब आपके पति को हार्ट अटैक हुआ मैं उनके साथ था इस कमरे में.
मैं चाहता तो उन्हें बचा सकता था, मैं चाहता तो हाथ बढ़ाकर वो मेडिसिन उन्हें दे सकता था, पर अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए मैंने आपके हस्बैंड को मर जाने दिया। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I want a divorce. Can't live like this anymore. Agar tum Seema ban gayi, but remember one thing. Main wo purana wala Raj nahi hu. Seema ki tarah tumhe karodon rupaye compensation mein nahi milenge. Phuti kali nahi milegi yahan se. मैंने शादी तुमसे नहीं राज, तुम्हारे पैसों से की थी, और अब तलाक भी तुम्हें नहीं दे रही हूं, तुम्हारे पैसों को दे रही हूं। I'm sorry, मैं अपने बड़े भाई को धोखा नहीं दे पाऊंगा, और आज के बाद आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगा। जो पैसा आपने मुझे दिया है इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहा हूं। थैंक यू। ये पैसा तुम्हारे बड़े भाई का ही है राजीव। हाँ राजीव, वो जानते थे कि तुम कंगाल हो जाओगे, पर उनकी हेल्प कभी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ये पैसे देकर हमें तुम्हारे पास भेजा था। और हाँ, उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला आइडिया भी उन्हीं का था। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि मेरा प्यार मेरे छोटे भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर शायद मेरी नफरत उसे फिर से खड़ा कर दे। ये लो राजीव। अपनी
क्या कर रहे हो? 6 महीने से तुम ये किताब लिख रहे हो? सब झूठ रचा, सब दिखावा। जिंदगी की सच्चाई से मिल के आ रहा हूं मैं। आज पहली बार ऐसी कहानी मिली है जिसे दुनिया को बताने का मन कर रहा है। लाइफ में कभी कभी वो कहानी यही है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम पांचों फ्रेंड्स की है, इसलिए ये अवार्ड भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई लाइक टू कॉल ऑन स्टेज राजीव अरोरा, इशिता शर्मा, मोनिका सेठ एंड जय गोखले, एंड ऑफ कोर्स द वन पर्सन विदाउट हुम आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू राइट दिस बुक, माय वाइफ रिचा। सो गाइस, यू समझ लीजिए, मेरे दोस्तों की लाइफ में इतनी ट्रेजेडी ना होती तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। और हां, मैं इन 200 रुपयों को बहुत संभाल के रखूंगा, क्योंकि इन 200 रुपयों ने मुझे सिखा दिया कि आखिर खुशी है क्या। हैप्पीनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ सैडनेस। सारी जिंदगी हम खुशियों का पीछा करते रहते हैं और जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। खुशी किसी मंजिल को हासिल करने में नहीं, सफर में ही खुशी है। सो ऑल वी हैव टू डू इज ट्राई नॉट टू बी अनहैप्पी एंड वी ऑटोमेटिकली बी हैप्पी। आई'd लाइक टू विश द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू। जिसकी आरज़ू पाके भी हम न पा सके।